हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलिब्रिटी रेसिपी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, पिछले सप्ताह मैंने हेल्दी साइरस की डाइट के लिए वीडियो डाला था कि हेल्दी साइरस की डाइट क्या पिगमेंटेशन वालों के लिए सही है या नहीं सही है, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है। और मैं जब भी वीडियो सर्च करती थी ना यूट्यूब पे, तो सर्च करती थी कि हाउ टू रिमूव पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन के लिए बेस्ट डाइट, तो इन्हीं की वीडियो आती थी। ठीक है, तो मैं इनको फॉलो करती थी और इनकी ही डाइट में खाती थी करती थी। ठीक है, तो मेरी पिगमेंटेशन जो है ना वो कम नहीं होती थी और बढ़ती जाती थी, क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट जो भी चीज़ें बताते हैं ना मैं भर भर के खाती। मुझे लगता था कि थोड़े से नहीं और ज़्यादा खा लेना चाहिए, मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी। ठीक है, जब बुद्धि नहीं होती है, जब पता नहीं रहता है ना, तो इंसान यही सब करता है। ठीक है, तो मैं इन्हीं की डाइट खाती थी, तो मुझे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता था, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। तो जब से मैंने इनकी डाइट छोड़ा, मैं सारी चीज़ें करने लगी, तो मेरी पिगमेंटेशन थोड़ी थोड़ी कम होने लगी। ठीक है, और भी सारी चीज़ें मैंने किया है जो कि पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा हुआ है, और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से हमेशा शेयर करती हूँ। तो मैंने बोला कि पिगमेंटेशन में ये डाइट नहीं खानी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म करता है। बहुत सारे कमेंट आने लगे कि मैम अभी तक तो हम यही खा रहे थे, अभी तक तो हम इसी भ्रम में जी रहे थे, और हमारी पिगमेंटेशन तो सच में घट नहीं रही थी, बढ़ ही रही थी। ठीक है, तो जहाँ हजारों लोग मुझसे सहमति दिखाए, वहाँ 20-25-50 लोग मुझसे असहमति दिखाए। ठीक है, उन्होंने बोला कि आपने ऐसा बोला क्यों, ये तो बैलेंस डाइट है, आप बैलेंस डाइट को नकार क्यों रही हैं, आप मना क्यों कर रही हैं, बैलेंस डाइट प्रोटीन अगर हम नहीं लेंगे तो हम कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं है डियर, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक छोटे बच्चे को दूध से और दूध से बनी चीज़ों से एलर्जी है, वो दूध दूध की बनी चीज़ें या दूध पीता है तो उसे एलर्जी है, कुछ भी छींके उसे होती है या उसकी जो कुछ भी उसको प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर के पास अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसको चेक कराओ। चेक जब होता है अच्छे से तो दूध से एलर्जी निकलता है। ठीक है, तो दूध डॉक्टर उसको तुरंत स्किप करते हैं, बोलते हैं दूध नहीं पीना है। जब बच्चा दूध छोड़ देता है या दूध से बनी चीज़ें छोड़ देता है, बच्चा एकदम अच्छा हो जाता है, बच्चे को कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम बचपन से तो देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, लोगों के मुंह से सुनते आए हैं कि दूध पीने से हमारी हाइट बढ़ेगी, दूध पीने से हमारी जो है बॉडी स्ट्रांग बनेगी, हम ग्रो करेंगे, है ना, हाई यही सब पढ़ते आए हैं ना। लेकिन जब वो बच्चा छोटा सा दूध नहीं पी रहा है या दूध से बनी चीजें नहीं खा रहा है, तो क्या वो लंबा नहीं होगा, क्या उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्या वो स्ट्रांग नहीं बनेगा, क्या उसके दिमाग तेज नहीं बनेगी? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दूध नहीं पी रहे या दूध से बनी चीजें नहीं खा रहे हो, लेकिन और भी सारे फूड हैं जो कि उस बच्चे को दिया जाएगा, तो वो बच्चा स्ट्रांग बनेगा, टॉलर बनेगा, मेंटली स्ट्रांग बनेगा, उसका सब कुछ अच्छा होगा। तो बस बात वही है, समझने की बात है। अगर आप दूध, अलसी या ड्राई फ्रूट, ये सारी चीज़ें अगर आप नहीं खाओगे, तो और भी तो सारी चीज़ें हैं, आप वो सारी चीज़ें भी तो खा सकते हो। ठीक है, मैं बार बार बहुत बच्चों की तरह समझाती हूँ अपने व्यूवर्स को, बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह। और पता है, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आता है अगर इस तरीके का, तो मैं उन्हें बहुत प्यार से, बहुत बच्चों की तरह समझाती हूँ कि अब भी अगर समझ में आ जाएगा तो पिगमेंटेशन को आप अपने ठीक कर लोगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि मैम आप तो हेल्दी साइरस के डाइट को ऐसे कैसे कर सकती हो, बहुत बड़ी यूट्यूबर है, बहुत ही फेमस है, मिलियन में सब्सक्राइबर है, आपकी तो जीरो, आपके सब्सक्राइबर तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, और आप तो अब आई हो बकवास करने, वो तो बहुत सालों से हैं। ठीक है, अगर आपको मेरी बकवास लग रही है तो कोई बात नहीं, अगर आपकी पिगमेंटेशन चली गई है उनकी डाइट से, तो प्लीज़ आप मुझे अपना पिक्चर इंस्टाग्राम पर भेजिएगा और आप मुझसे प्लीज़ बात करिएगा। ठीक है, अगर आपकी पिगमेंटेशन उनकी डाइट से नहीं गई है, तो प्लीज आप अभी इस चीज को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, और आप गर्म चीजें खाना बंद कर दीजिएगा। अभी भी मैं आपको सहेली की तरह ही समझा रही हूँ। ठीक है, यहाँ तक कि मैं सारे लोगों को बच्चों की तरह समझाती हूँ और एक एक जन का रिप्लाई करती हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरी व्यूअर्स हैं, बड़े आशा से मुझे मैसेज किए हैं, ठीक है, कमेंट किए हैं, तो मुझे उसके कमेंट का रिप्लाई करना चाहिए। कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो कि सारे जन का, एक एक जन का रिप्लाई करता हो, लेकिन मैं करती हूँ। रात को 2 बजता है, अगर मुझे लगता है कि ठीक है, 1 मिनट के लिए अगर मैं इनको टाइम दे दूंगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं हर जन का रिप्लाई करती हूँ, सभी लोगों का, एक एक जन को मैं बच्चों की तरह समझाती हूँ।
तो आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं कि मैं उनसे कंपटीशन कर रही हूँ या मैं उनके डाइट को ख़राब कर रही हूँ? मैं उनके डाइट को नहीं ख़राब कर रही, उनकी डाइट बैलेंस डाइट है, बहुत ही अच्छी डाइट है। मैं सिर्फ ये समझा रही हूँ कि क्लियर स्किन वाले वो डाइट खा सकते हैं, लेकिन पिगमेंटेशन वाले वो डाइट नहीं खा सकते हैं, ठीक है? बात सिर्फ ये कह रही हूँ और कुछ भी नहीं। तो अगर अभी भी आप अलसी 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 कर रहे हो ना, तो मत करिए, छोड़ दीजिए, बहुत गर्म होती है। आपने देखा है जब किसी प्रेग्नेंट लेडी को जब बच्चे हो जाते हैं, तो उस समय उसको दिया जाता है अलसी, दिया जाता है अलसी के लड्डू बना के दिया जाता है, ड्राई फ्रूट दिया जाता है, क्योंकि देखिए उनकी बॉडी बहुत वीक हो गई है ना, उनकी बॉडी को गर्म गर्म चीजें दी जाती है, ठीक है? और ऐसा कहा जाता है कि बॉडी डिलीवरी के बाद थोड़ी सी ठंडी हो जाती है या थोड़ी सी अजीब सी हो जाती है, तो गर्म गर्म चीजें देने से बॉडी थोड़ी सही हो जाती है, ऐसे हमारे पूर्वज करते हैं, ठीक है? तो इसीलिए उनको ये सारी चीजें दी जाती थी। तो जो आप गर्म चीजें अगर आप खाओगे तो आपकी पिगमेंटेशन घटेगी नहीं, बढ़ेगी, ठीक है? तो जब मैंने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछा था, तो वो सारी चीजें मैंने मुझे बताई थी, मैंने उनके सामने भी बहुत हाथ जोड़ा था। सारी डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छी नहीं होती है, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि बहुत सारे लोगों की चेहरा खराब करके रखी है, ठीक है? और उनके पैसे भी मतलब पैसे भी उनके गए हैं और चेहरे भी चले गए हैं, ठीक है? लेकिन कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट अच्छे हैं दुनिया में, जो कि अच्छे मतलब उनसे अगर आप बात करेंगी तो वो अच्छे से आपको बताएंगे। मैंने बहुत हाथ पैर जोड़ा था कि मैम आप प्लीज अब मुझे अच्छे से गाइड करिए, क्योंकि देखिए बहुत परेशान हो चुकी हूँ और अब इस पिगमेंटेशन के साथ नहीं रहना है मुझे। तो बहुत अच्छे से गाइड किए, लेकिन आप ये समझिए कि हर लोगों को वो नहीं बताती होंगी, मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था उनसे, और पता है मैं आधा घंटा तक रिक्वेस्ट ही कर रही थी कि मैम प्लीज़ अच्छे से गाइड करिए, आप मुझे एक छोटी मुझे आप अपनी छोटी बहन समझ के बताइए, तब जाके उन्हें दया आई होगी या प्यार आया होगा, तब जाके उन्होंने मुझे अच्छे से बताया। लेकिन अगर उन्होंने मुझे अच्छे से बताया तो क्या वो सभी को बताती होंगी? मुझे इस पर भी डाउट है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ, ठीक है? क्यों, डॉक्टर है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है? लेकिन मैं ये कहूँगी कि मुझे अभी तक जितने भी डॉक्टर ज़्यादा लोग के पास तो मैं नहीं गई थी, लेकिन उनके पास गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी, ठीक है? तो अगर अभी भी आप गर्म चीज़ें खा रहे हो या खाने के बारे में सोच रहे हो, तो प्लीज़ स्कीप करिए। और आप बहुत सारे खाने हैं, बहुत सारे फूड है, बहुत सारे आइटम्स हैं जिसे आप खा सकते हो और अपने चेहरे को अच्छा बना सकते हो, ठीक है? तो प्लीज़ हेल्दी साइरस की डाइट पे आप बिल्कुल भी बवाल मत करिए, उनसे कोई कंपटीशन नहीं है मेरी, और वो बहुत बड़े बहुत फेमस यूट्यूबर हैं और उनकी मैं रिस्पेक्ट करती थी और अभी भी करती हूँ, ठीक है? लेकिन अभी भी मैं यही बोलूँगी कि गर्म चीज़ें अगर आप खा रहे हैं तो प्लीज़ स्किप करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।